चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश पर वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक चुनौतियों के पहाड़ को देखते हुए संगठन की पृष्ठभूमि वाले मुखर चेहरे को कमान देने पर पार्टी में गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। चुनावी हार के बाद राहुल के इस्तीफे को पार्टी के इतिहास का सबसे गंभीर संकट मान रहे इस हालात में कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने के साथ ही जनता से तार जोड़ने वाले चेहरे को ही नेतृत्व दिया जाना चाहिए। पार्टी में इस पर दो राय नहीं कि मौजूदा हालात में जंग में मोर्चा लेने वाले सेनापति जैसे नेतृत्व की पार्टी को बेहद आवश्यकता है और कठपुतली अध्यक्ष बनाए जाने की कोई भी गुंजाइश अब मौजूद नहीं है। राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर कर नया अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाए जाने से पूर्व वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही अनौपचारिक चर्चाओं में इन पहलुओं पर भी गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि नए अध्यक्ष के लिए जिन चेहरों के नाम चर्चा में हैं, उनके अलावा भी कुछ दूसरे नामों को संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर चिंतन और मनन किया जाएगा। इस वजह से कार्य समिति की बैठक की तारीख अभी तय नहीं की गई है। लगभग तय है कि अगले हफ्ते कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर कर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। कांग्रेस के संविधान के अनुसार कार्य समिति की बैठक के लिए कम से कम 3 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। संगठन से जुड़े चेहरे को नया अध्यक्ष बनाए जाने पर हो रहे मंथन पर पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति संगठन के साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के मिजाज को समझते हुए बेहतर समन्वय स्थापित कर पाएगा। गांधी परिवार से बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने व्यक्ति के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा अर्जित करना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में संगठन का अनुभव भी उसके लिए बेहद कारगर होगा। लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों में खाता नहीं खुलने की स्थिति को अब कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा इसलिए किसी रीढ़ विहीन व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने की गुंजाइश नहीं के बराबर है और न ही ऐसे हालात हैं। उनका कहना था कि बेशक कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार का भरोसेमंद होगा लेकिन कठपुतली बिल्कुल नहीं होगा। राजनीति की मौजूदा कठिन डगर और चुनौतियां कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है, इसीलिए इस वक्त पार्टी को वार टाइम जनरल यानी युद्ध में मोर्चा संभालने वाले सेनापति की बेहद आवश्यकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में नेतृत्व के सबसे बेहतर चेहरे को कमान देने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है कि उत्तराधिकारी तय करने में राहुल गांधी का नजरिया सबसे प्रभावी भूमिका निभाएगा। इस वक्त सोनिया गांधी के लिए भी बेहद मुश्किल समय है। राहुल गांधी ने इस्तीफे की अपनी चिट्ठी में पहले ही इशारा किया है कि वे सबको साथ लेकर चलने वाले प्रभावी चेहरे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है। नए अध्यक्ष के चयन में कांग्रेस देश के बदले सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की हकीकत को अनदेखी नहीं करना चाहती, इसीलिए चाहे सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी पर विचार किया जा रहा हो मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा और अशोक गहलोत आदि जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा की दौड़ से बाहर नहीं है। कांग्रेस के पुराने सामाजिक आधार को ध्यान में रखने के साथ ही राजनीति के मौजूदा समीकरणों की हकीकत में संतुलन बनाने वाले चेहरे का नेतृत्व पार्टी वक्त की जरूरत मानती है। कांग्रेस में इस पर भी दो राय नहीं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पराक्रम को चुनौती देने के लिए मुखर ही नहीं हिंदी भाषी चेहरा होना भी बेहद आवश्यक है, तभी उत्तर से लेकर पश्चिम तक और मध्य से लेकर पूरी भारत में भाजपा के एकतरफा संवाद की बयार को चुनौती दी जा सकेगी। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।